अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अंजुम आ जाओ यार, किधर रह गई हो? मैंने तो ईद मुबारक कह दी। अस्सलाम वालेकुम मुजी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे और मुजीब की तरफ से आप लोगों को दिली तौर पर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे आपको बहुत सारी ऐसी खुशियां, ऐसी ईदें देखने नसीब हों और आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपको आपकी ईद कैसी गुजरी और आपने किस कलर के कपड़े पहने। मुजीब आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे, अच्छा सूट है। इसमें दो जेबें भी हैं। हां जेबें हैं ना, खाली खाली वॉलेट भी है। नहीं नहीं ये भी है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, चलो ये लो तुम्हें। तो मैं एक काम करता हूँ। हाँ, क्या काम? मैं काम करता हूँ, ये अशी करो, कार्ड दे। ये क्या है? कार्ड यार, ये तो कार्ड मैंने नहीं लेना। तुम्हारी मर्जी है, इसमें तो बहुत पैसे हैं। कार्ड तो फिर आलू प्याज टमाटर। चलो अच्छा, थैंक यू। नहीं ओह रियली, थैंक यू सो मच, लव यू। अच्छा अभी क्या हो रहा था कि आप यकीन करें, मैंने इतनी ईदी दी है, इतनी ईदी दी है, लेकिन सिर्फ ईदी दी है, मुझे ईदी मिली कोई नहीं। पहले आसिम होता था, आज आसिम को मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। अम्मी अबू दिया करते थे, मुजीब के अम्मी अबू दिया करते थे, लेकिन अब सिर्फ जो है वो मेरे लिए बड़े जो है वो मुजीब है। तो मुजीब आपकी तरफ से मुझे ईदी मिली है। आप यकीन करें कि अगर आप मुझे 2 रुपए भी देते मुझे बड़ी खुशी होती, लेने की भी खुशी होती है यार, सिर्फ देने की नहीं होती है। हम चेंज क्यों पहन रहे हैं? अच्छा जी, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बहन भाई, आप अपने आप को वहां पर बिल्कुल अकेला ना समझें। हम आपकी फैमिली हैं, हम आपके साथ हैं, और हमारी तरफ से हमें आप अपने बहन भाई समझ लें, अम्मी अबू समझ लें, आंटी अंकल समझ लें, जो भी समझ लें, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जब इन्होंने कहा ना कि आप अपने आप को अकेला ना समझे, जो हमारे बाहर बहन भाई है, मैं समझा कि कहने लगी हूँ आप हमें अकेला ना समझे, हम भी अकेले हैं। बिल्कुल भी हम अकेले कोई नहीं है जी, हमारे साथ ही हमारी सारी फैमिली है, आप सारे हमारी फैमिली हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है कि जब भी मैं आपके साथ बातचीत करती हूँ, फिर मुझे कमेंट्स आते हैं, वो एक कॉन्वर्सेशन इतनी तो यार फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं होती जितनी सब लोगों के साथ हो जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी दुआ है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। और जाहिर है क्या होता है, यही होता है कि यार एक दूसरों से किसी से नाराजगी है तोड़ दे यार, छड़ दे, मैं कहनी है छड़ दे, और गले मिल लें, ईद मिलने, और मोबाइल पर देखते रहे किस किस ने ईद मुबारक। और हाँ, अब सारों को मुझे मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, हाँ एक मैसेज जो है उसको कॉपी करें सारों को दे। ये भी टेक्नोलॉजी का जमाना है यार। एक एक को ईद मुबारक ना कहें तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। आप एक मैसेज लें, सारों को सेंड कर दें, एक टोकन ऑफ लव होता है, एक स्माइल होती है, जस्ट एक हेलो कहना, ईद मुबारक कहना, it makes a lot of difference. Yes. तो मेरे तो कपड़े बड़े comfortable हैं। बड़े comfortable, मेरे भी बहुत comfortable हैं। चले ठीक है, अभी हम नीचे जाते हैं, कुछ मुजीब के जानने वाले आ रहे हैं, हम अपना वो सारा जो serving dishes का बहुत चर्चा हो गया है, उनको भी भरना भी है, वो चलते हैं और चलकर अपना सारा सीधा करें। आज हमें काम भी हम दोनों को खुद ही करना पड़ेगा। हाँ मुझे, मैं कह रही हूँ कि आज पार्क में जाकर थोड़ा सा फोटोशूट ना हो जाए। अच्छा मैं समझे तुम कहने लगे पार्क में जाके धंधा ना करें। ये यार इग्नोर हिज जोक्स, ये बहुत हो गए हैं जोक्स। मैं कहती हूँ ये कब तक चलेंगे आपके? जब तक करते चलाए जाओ। सेंस ऑफ ह्यूमर जरा देखें, कोई हंसी नहीं आई किसी को। अच्छा चलो ठीक, चले जी, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। तो ये है जनाब हमारे ड्रेस की फुल लुक, ब्यूटीफुल ड्रेस। PCS के मैंने जूते पहने। दूसरा का ड्रेस है। और ब्यूटीफुल कांटे हैं, ब्यूटीफुल कांटे। ठीक है, थैंक यू। वहाँ देखा कितनी तेज धूप हो गई है ना? बहुत तेज है जी, गर्मी आ रही है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जब गर्मी आएगी तो चौंसा आम भी आ जाए। कसम खुदा की चौंसे आम की वजह से हम कहते हैं गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए सर आंखों पे।
आम खाने को मिलेंगे। माय फेवरेट फ्रूट इज चौसा आम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कौन कौन सा फ्रूट पसंद है। वैसे तो फल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये सूरह रहमान में है ना कि और तुम मेरी किन किन नेमतों को जुटलाओ। बिल्कुल। तो जी मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पर तो सूरज साइड पे है, मेरा मुंह काला आ रहा है। नहीं, तुम्हारा तो काला हो भी नहीं सकता, काला तो मैं हो जाऊंगा मजीद। कब तक आ रहे हैं मुझे वो लोग? थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, फोन पे बात हुई है। तो बेहतर नहीं है कि पहले से सारा कुछ लेआउट कर दें? हाँ, पहले से लेआउट कर दें बजाय इसके बैठ बैठ के उठे। सर्विंग डिशेस लाए भी हम इसीलिए थे। हाँ बिल्कुल। तो जनाब सिचुएशन ये है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं हमसे ईद मिलने के लिए, और हमने सोचा है कि उनके आने से पहले बड़े ही तमाम प्यार और प्यार से हम हर चीज ले आउट कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बख्तावर ने आना है आज रात को, और जब मेहमान आए हुए उस वक्त मैं उठ उठ के बार बार किचन में जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो वो सारा कुछ डेकोरेट करते हैं, और मेरे ख्याल में मुझे पहले जूस दे दूंगी। हाँ, पहले जूस दे दें, फिर उसके बाद और फिर अगर चाय बनानी होगी तो वो बना लेंगे। बिल्कुल। तो चलें जी, चलकर मिलकर अपनी सर्विंग डिशेस की बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह करे इसी तरह ही हमारे घर में रहमत के तौर पर मेहमान आते रहे, और हम इस इन सर्विंग डिशेस पे चीजें लगा लगा कर लोगों को अपने मेहमानों की खातिर तवाजो करते रहे। और वो जो है तुम कह रही हो कि जी हम चाय का उनसे पूछ रहे, कहीं ऐसा ना पूछ रहे कि जी चाय तो नहीं पीनी आपने? नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछती, मुझे तो खुद चाय पीने का शौक है। सो बिस्मिल्लाह कोई अगर आता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो इस बहाने हम भी चाय पी लेते हैं। ठीक है। बस खाना पीना तो सारा दिन चलता ही रहेगा, कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, कुछ हमने ये वाला खाना भी, आपको पता है कि हम लोग ट्रफल्स चले गए थे, और जो उज़्मा ने हमें खाना भेजा था वो फ्रोजन पड़ा हुआ था, जिसमें कि चटपटा ये रोस्ट है और साथ कोफ्ता पालक है, साथ मटर पुलाव विद शामी कबाब वगैरह। और बख्तावर आज नहीं है तो इसलिए खाना बनाने की आज छुट्टी हमने की हुई है, और मैं और बाबा यही गर्म करके हम खा लेंगे, बिकॉज बहुत ही मजेदार खाना है, और जाहिर है कि खाने को हम वेस्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हम खाना खाएंगे और साथ आपको बताएंगे कि हाउ डज इट टेस्ट। इसके अलावा एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, मैं सब्सक्राइबर व्यूअर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी फैमिली मेंबर है, मेरी अपने बच्चों की तरह है, जिनका नाम है अनीसा ताहिर। शी हैज कम फ्रॉम कैनेडा, और वो समीज भाई नबीला मेरे व्लॉग्स देखकर उनकी क्लाइंट बनी, तो वो वहां पर गई अपने कपड़ों का ऑर्डर देने के लिए। वहां पर उन्होंने मेरे लिए रेड वेलवेट केक लिया हुआ था। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मेरे सारे व्यूअर्स को अभी तक पता चल चुका हुआ होगा कि उनकी मामा को पसंद है रेड वेलवेट केक, तो उन्होंने जो भिजवाया है ये रेड वेलवेट केक, ये हम अपने फ्रेंड्स के लिए इसको भी हम साथ सर्व कर देते हैं। ठीक है ना जी? ये नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का मुबारक। ईद मुबारक का केक है। बिस्मिल्लाह यार, ये केक निकालना इज आर्ट है, फन है, मैं कहती हूँ जो ये निकाल ले ना वो कामयाब है, वो कामयाब जिंदगी में। ये है जी हमारा ईद का रेड वेलवेट केक फ्रॉम अनीसा ताहिर। अनीसा ताहिर, लव यू सो मच, एंड मुझे बड़ा इसके, इट रियली मींस अ लॉट, और आपने मुझे याद रखा ईद पे, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। आई नो कि आप सब लोग ही हमें याद रखते हैं, वी लव यू गाइज, ऑल ऑफ यू अ लॉट, तो ये भी रखते हैं। यस। दैट्स इट। अब क्या आ गया? मेन चीज। मेन चीज? ये कौन सी चीज है? ये वो सेवइयां। अच्छा, मैं समझा चीज है वो। जी, अब मैं लाती हूँ दही बड़े। मैं कम से कम 10 किलोमीटर चले। चलो हाँ, चलो तुम्हारी रनिंग तो ये पूरी हो जाएगी। नहीं, अभी आप लेकर आए ना बाकी चीजें, मैं ले आता हूँ। ओए, ये हो गए दही भले। जी अभी सेट कर दे जी, बिल्कुल थोड़ा सेट करें ना। ये साइड पे कर दें।
साइड कर देते हैं, इनको उस साइड पे कर दे, इधर ये भी इधर कर दे, ये भी इधर कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ, ठीक है, इट्स ऑलराइट जी, इट्स ऑलराइट। चलो और अभी ये जो हमारी सर्विंग डिशेस हैं इनके लिए भी हम लाते हैं चीज़ें, लाओ मैं ले आता हूँ, ले नहीं लिटा दे इनको, लिटा दे है, लिटा जी, मेरा तो इतनी देर आप लगा रहे हैं, मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं लेट जाऊं, तेरे सैंडविचेस बेचारे की करण, ये हुई ना बात, खुश हो, यस अब खुश है ये, है ना जी, ये हो गए सैंडविचेस, लेट के देर हैप्पी, लो जी, लो जी। ये बाबा ने सैंडविचेस लगा दिए इतने अच्छे तरीके से, और अब जनाब यहाँ पे आ रही है आलिया तुम्हारी पसंद की पिस्ते वाली बर्फी, मुझे थोड़ा सा इनको खोल के लगाए, मैं भी लगाता हूँ, खोलता हूँ खोलता हूँ खोलता हूँ, ऐसे ये वाओ मुझे, यू आर अ प्रो, आई लव यू, मैं यही काम करता रहूँ बचपन से, हाँ क्यों बेगम नहीं करती रही, हाँ लेकिन मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, अच्छा वाह भाई वाह, हमारा तो टेबल सज गया है माशाल्लाह, ये सर्विंग डिशेस आई लाइक देम, हाँ ये बड़ी मजेदार, एंड दे आर वेरी कन्वीनिएंट ना, हाँ आराम से यहाँ पे बैठेंगे हमारे गेस्ट, हाँ और आराम से उनको हो जाएगा जनाबे अली सर्व, ये जगह नहीं रही इसकी, मुझे बाज आ जाया करें, बाज आ जाया करें, लो जी समोसे गए, हटोली है, ताशे क्यों बज रहे हैं, गीले थे, ओके फ्रीज हुए थे ना, है ना फ्रीज हुए, फ्रीज मुझे एप्रन पहनना चाहिए, हाँ एप्रन पहनना चाहिए, लो भाई बचाओ कबूतर, इसको हल्का कर लेना चाहिए आपको अंदर से वरना ये ठंडे रह जाएंगे, ले चलो उछल लो जितना उछल रहे हूँ तो ऐसी एप्रन पैर नहीं लगा, अब तो मैं ढाल पहन ली है जी, ये सब्जी वाले हैं ना जी, कि चिकन वाले, खैर मैं देखती हूँ, वेजिटेबल समोसा, ओके क्या पोजीशन है, अच्छी पोजीशन, नहीं मुझे इनको हल्की आग पे पड़ा रहने दें, अंदर से भी ठंडे हैं, फर्स्ट पोजीशन है अंजुम इधर थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुर्ख हो लेना, सुर्ख हो लेना, हाँ दो ही काम हो सकता है ना, या तो सुर्ख हो जाएगा जल जाएगा, नहीं नहीं जलने तो देना ही नहीं ना, अच्छा। पर ये वाला समोसा थोड़ा सा टूट गया, ऐसे लग रहे जैसे रूसी भी कोई रूसी जनानी टूट गया तो वो फिर उसको वो रूसी कहते हैं है, और रूसी है, खाना ही पौना है, खाना ही पौना, तो फिर टेस्ट तो है ना इसमें, सब्जियां भरी हुई है, मैं खा लूंगी, नहीं नहीं मैं खा लूंगा, और आपको एक बात बताऊं मैं, मुझे प्यास लगी हुई है लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा रोजा है, प्यास आपस की बात है, मुझे भी लगी है लेकिन हमने पानी नहीं पिया, कोई नहीं आ रही क्योंकि हमारी दोनों की आवाज से ज्यादा ऊंची आवाज है, फैन की है बस, ये तकरीबन हो गए हैं, ये लेकर फिर चलते हैं और इसको भी जाकर रखते हैं उस डिश में, अच्छा ठीक है, हो गए ये जल गए हैं जो, नहीं अच्छा मैंने तो जल गए यार, मुझे आप इस तरह से मुझे तैयार हो गए ऐसे तो नहीं ना, फिर जलने में देती हूँ वाला, समोसे बड़े हैं कि मैं बड़ी हूँ, आउच हाथ लग गया साइड पे, शुड बी केयरफुल, खुशबू है बढ़िया आ रही है, अभी मैं खा के तुम्हें चेक करके बताऊंगा कैसे, अच्छा ये मेहमानों से परेशान नहीं हो ना, अच्छा जी ये चल कर अभी अपना आए इनको भी डेकोरेट कर ले, चलो लेट्स गो, समोसे, ये समोचियां के समोसे हैं, समोचियां चमोचियां चमोचियां, वैसे तो इससे भी छोटे होते हैं आपको पता है, कीमे वाले, हाँ इससे भी छोटे होते हैं वो कीमे वाले इससे छोटे तो इसलिए होते हैं वो ताकि उनके कीमा थोड़ा बचे, और ये मैं ना ले आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा करेंगे इससे गार्निश, गार्निश ठीक है,
थोड़ा सा ग्रीनरी हो ना बीच में। हाँ वो घास शास होना चाहिए। मुझे मैं आपको बड़ा मारूंगी। घास शास ग्रीनरी तो वही होती है। मेहमानों को घास खिलाना है आपने? नहीं वो बीच में चुन लेंगे ना। लुक एट द कलर, वाला 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 अच्छा हो गया। अब मुझे सारा टेबल दिखा दीजिए। वाह जी वाह। तो जनाब केक हो गया, सात दही बड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, सेवइयां हो गई जी, सैंडविचेस हो गए, बर्फी हो गई और समोसे हो गए। यार हो तो बहुत कुछ सकता था। मैंने सिर्फ ये आइडिया दिया है कि अगर मेरी तरह कोई बंदा कल्ला हो और घर में आपकी हेल्पर्स या कोई और ना हो तो फिर ये आई थिंक इट इज प्रैक्टिकल। आराम से जो भी आएगा साथ साथ खाते जाएंगे, साथ साथ गप्पे लगाते जाएंगे और एंड में मैं बर्तन जो है वो धो लूंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये थी जी हमारी ईद की तैयारी। ये थी हमारी, ये है तुम्हारे प्यारे से कांटे। थैंक यू सो मच। नहीं बाकी मैं तो आ रही थी तो मैं आपने सारों को ये भी बताया कि वो जो मैंने आधी रात को ये बनाई थी शीर खुरमा आपके लिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैंने सुबह नमाज के बाद आके खाया, बहुत थैंक यू सो मच। और मुझे साथ ही बचपन की ईद भी याद आ रही थी कि हमारे हम बड़े सादे बच्चे होते थे, हमारे बचपन में जब हमें ईदी मिलती थी तो हम खुद ही जाकर बड़ी ताबेदारी से अम्मी को दे दिया करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे पैसे जो है वो अम्मी के पास ही होने चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स हमें ज्यादा खुद इंडिपेंडेंटली कुछ खरीदने के लिए भेजते भी नहीं थे और फौरन काबू हो जाती थी हमारी ईदी। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो उनको मैं हैरान हो गई कि उन्हें एक एक रुपया याद होता था कि अच्छा चाचू ने दादा ने इतने दिए थे, अम्मा ने इतने दिए थे, मामा वो किधर है। फॉर द टाइम बीइंग मैं रख लेती थी कि भाई तुम ये ले लेके कहाँ फिरोगे, लेकिन एंड में मुझे देने पड़ते थे उनको। हाँ तो वो लेके इसलिए रख लेते कि उनको शायद ना याद रहे। नहीं लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बच्चों को कितनी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए विद मनी। मेरे ख्याल में बचपन से ही बच्चों को बहुत ज्यादा पैसे दे के लेविशली खर्च करने की आदत नहीं डालनी चाहिए, इससे वो बिगड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दे दे जितना के मतलब एक बच्चा डिजर्व करता है या वो उससे उसको फजूल खर्ची उससे थोड़ा थोड़ा करके क्या देते। मेरे जो फादर थे वो तो देते ही थोड़ा थोड़ा करके थे। एक रुपया मिलता था मुझे याद है। अगर बेल हो गई है वो भी देखते हैं, लेकिन पेरेंट्स या कोई भी अगर ईदी जितनी भी दे वो हमें अच्छी लगती है, अच्छी लगती वो है। तो उसका उसकी बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल। जितने भी हमारे रिश्तेदार हमारे पास मौजूद नहीं है उनके लिए हमारे दिल से दुआ है कि और हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे मुजीब की बड़ी बहन तस्नीम, मुजीब के अब्बा जी, मुजीब की अम्मी, मेरे पेरेंट्स आसिम, इन सबको हम बहुत मिस करते हैं दिल में, रोज ही करते हैं, ईद वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। जाहिर है आप लोगों का भी इसी तरह ही से हिसाब किताब होगा कि जो लोग नहीं है वो डीप डाउन इन आर हार्ट, हालांकि ऊपर से हम खुश होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड और दिल की गहराइयों में एक उदासी सी होती है कि वो भी होते हैं, उनको हम मिस करते हैं, उदास हो जाते हैं उनसे हम। तो हमारी यही दुआ है कि जितने भी हमारे बहन भाई जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, उनके पेरेंट्स या उनके जो भी उन रिश्तेदार उनके पास नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला उनको आखिरत में आला से आला दर्जा जो है वो अता करे, और आपकी जितनी भी नमाजें और रोजे हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे, और आपके घर में फजलो करम कायम रहे, अल्लाह की रहमत आपका साया आप लोगों के ऊपर कायम रहे। तो ये हमारा ईद का ब्लॉग था। अगर साथ कुछ और क्लिप मैं बना सकी तो मैं लगाऊंगी, वरना हमारी तरफ से मेरे और मुजीब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, लव यू। अंजुम वो कचरे वाले आए हैं ना, वो नेचुरली अपनी ईदी मांग रहे हैं इसलिए आए हैं। कितने लोग हैं? दो तीन होते हैं। दो तीन है? लाओ जी।